इंसान हजारों सालों से भवन निर्माण कार्यों में ईंट का इस्तेमाल करता आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल झा। स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। और आज इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं क्लीन क्ले ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। सबसे पहले ब्रिक्स यानी ईंटों के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये हमें 7000 ईसा पूर्व लेकर जाता है, जहां पर पहली बार तुर्की के जेरिको शहर में इसे डेवलप किया गया। और उसके बाद कई तरह के नए इनोवेशन इस इंडस्ट्री में किए गए और ये लगातार हजारों सालों से भवन निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा बेसिक रॉ मटेरियल है। आज हम बात करने वाले हैं इसी इंडस्ट्री के बारे में। आप कैसे इस इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं, आइए जानते हैं IID के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। हर कोई अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत आशियाने का सपना संजोए रहता है। खुद का आशियाना न सिर्फ एक बुनियादी जरूरत होती है बल्कि इंसान की दिली ख्वाहिश भी होती है। इसी ख्वाहिश को पूरा करने में सबसे अहम किरदार निभाती है ईंट। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह एक एक ईंट को जोड़कर इंसान के सपनों का महल तैयार होता है। इतना ही नहीं, किसी को आसरा देने वाले रैन बसेरे, जरूरी सामानों की दुकानें, बड़ी बड़ी इमारतें, होटल्स, मॉल्स, बंकर वगैरह भी ईंट की वजह से ही हकीकत की शक्ल इख्तियार कर पाते हैं। इसके अलावा शहरीकरण, तेजी से होता औद्योगिक विस्तार, सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी गतिविधियों से इस उत्पाद की मांग बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। mordorintelligence.com के अनुसार 2020 से 2025 के दौरान ईंट बाजार में 3% से अधिक की CAGR बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है। जाहिर है कि ईंट हमारी जिंदगी की एक बेहद बुनियादी जरूरत रही है और आगे भी रहेगी, और यही वजह है कि ईंटों के प्रकार, गुणवत्ता और मात्रा का सही लेखा जोखा होना बहुत जरूरी है। तो आज IID आपके लिए लेकर आया है क्ले ब्रिक इंडस्ट्री के कारोबार से जुड़ी सारी जानकारी, जिससे कि आप इस बेहतरीन कारोबार के बारे में सब कुछ जान सकते हैं और इसे अपने बिजनेस के रूप में चुनकर अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स। इस व्यवसाय के लिए आपको कच्चे माल के तौर पर मिट्टी और कोयले की जरूरत होगी। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। क्ले ब्रिक बनाने के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको क्ले ब्रिक मेकिंग मशीन, JCB मशीन फॉर मटफॉलिंग, ब्रिक किल्न की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सामान्य ऑफिस फर्नीचर के साथ आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। प्रोसेस। क्ले ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय में ईंट बनाने के लिए सबसे पहले JCB मशीन की सहायता से उठाई गई मिट्टी में पानी और कोयले को जरूरी मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे ब्रिक्स बनाने के लिए रॉ क्ले का अच्छा सा मिश्रण तैयार हो सके। इस मिक्सिंग के बाद इस मिश्रण को JCB मशीन के द्वारा ब्रिक मेकिंग मशीन के हॉपर में डाल दिया जाता है। इस मशीन में एक पानी निकासी की व्यवस्था रहती है, जिसके द्वारा मिश्रण में मौजूद एक्स्ट्रा पानी वहां से निकल जाता है और बचा हुआ मिक्स्ड मड यानी रॉ क्ले आगे की प्रोसेसिंग के लिए बढ़ जाता है। इसके बाद इस रॉ क्ले को बड़े से व्हील के आकार के डाई में भेजा जाता है, जिसमें ब्रिक्स की आवश्यकता अनुसार डिजाइन और आकार के मोल्ड्स बने रहते हैं, जो इस क्ले को ब्रिक्स का आकार देते हैं। इसके बाद ये ब्रिक्स कन्वेयर की सहायता से बाहर आ जाती हैं। इस प्रक्रिया के बाद इन ब्रिक्स को मैन्युअली चेक किया जाता है। इस चरण में अगर ब्रिक की गुणवत्ता अच्छी पाई जाती है तो इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, वरना इसे तोड़कर वापस क्ले के रूप में मशीन में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सूखने के बाद इन ब्रिक्स को उचित तापमान पर ब्रिक किल्न में एक निश्चित समय के लिए पकाया जाता है। अब पूरी तरह से पक कर सख्त हो चुकी ब्रिक्स को मार्केट में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। एरिया। इस व्यवसाय में अगर आपके प्लांट की उत्पादन क्षमता 1,00,000 ब्रिक्स प्रतिदिन की है तो आपको तकरीबन 3 एकड़ एरिया की आवश्यकता होगी। जो कि नॉर्मल पहले पूरा दिन काम करते थे तो मुश्किल से 10-12 ईंटें बना पाते थे पूरे दिन के अंदर, तो ये मशीन आने के बाद एक दिन के अंदर 1,00,000 तक ईंटें हम बना सकते हैं। एक तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया और एक आपका पोल्यूशन भी नहीं होता है इसके अंदर काम करने से। पहले पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता था, बालू रेत वगैरह जो यूज होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका उड़ता था खेतों के अंदर, पोल्यूशन काफ़ी फैलता था। ये मशीन आने के बाद पोल्यूशन भी काफ़ी कम हो गया है, बालू रेत एक लिमिटेड मात्रा के अंदर इसके अंदर लगता है। मैन पावर।
इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको तकरीबन 60 से 65 कारीगरों की जरूरत होगी। पावर लोड कनेक्शन। ईंट बनाने के व्यवसाय में आपको करीब 50 किलोवाट पावर लोड कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब बात करते हैं किसी भी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में, यानी उस व्यवसाय में लगने वाले निवेश और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में। इस व्यवसाय में आपको तकरीबन 65 से 70 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं आप इस व्यवसाय से करीब 20% से 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। लाइसेंसेस एंड स्कीम्स। इस व्यवसाय के लिए जरूरी लाइसेंसेस हैं GST, उद्यम, NOC फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, माइनिंग लाइसेंस। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। तो आज IID ने आपको बताया क्ले ब्रिक मेकिंग बिजनेस के बारे में। IID हमेशा से ही आपके लिए ऐसे ही इनोवेटिव और यूनिक बिजनेस आइडियाज लेकर आता रहा है। साथ ही आपके बिजनेस में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से IID आपको इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, वर्कशॉप्स के अलावा EDP ट्रेनिंग और बहुत सारी बहुमूल्य सुविधाएं प्रदान करता है। IID के गौरवशाली मेंबर बनकर आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारी ऐप Entrepreneur इंडिया लाइव को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल Entrepreneur इंडिया TV को। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर।